हेलो फ्रेंड्स एंड मेडोजेंट बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक के इस वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट के 26 सिक्स इम्पोर्टेंट एम सी के बारे में बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह तो चलिए शुरू करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्बन किसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्बन से तो ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा ड्रग एलिमिनेशन दूसरा है बायो अलबिलिटी उसके बाद है ड्रग एब्ज्जॉर्बन और अंतिम है ड्रग परमिएशन तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्बशन के बारे में तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ द बी बायो अलबिलिटी तो अगर हम बायो अलबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अनचेंज विच रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायो अलबिलिटी तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी Yeah. <laughs> बायो एलबिलिटी अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज़ कंसर्न विद द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोज फॉर्म एंड इट्स सब्सिक्वेंट एब्जॉर्बन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन तो ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं पहला है हमारा क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक दूसरा ऑप्शन है दैट इज द फार्माको उसके बाद अगला है हमारा बायो और अंतिम ऑप्शन यहाँ पे है ऑल ऑफ द एबब तो जो हमारा डोजेज फॉर्म है उससे जो हमारी ड्रग का रिलीज होता है और उसके बाद

ऑफ ड्रग एक्शन डिपेंड करता है ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं ड्रग ऊपर जो दूसरा है बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है दैट इज नीज तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है मीन्स वो कितनी देर में अपना एक्शन हमें प्रोवाइड करता है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है तो वो ड्रग के एब्जॉर्बन पे भी डिपेंड करता है और ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी वो डिपेंड करता है तो यहां पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज सी बोथ ए एंड बी अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है pharmacokinetic is, pharmacokinetic क्या होती है Options हम लोग फार्मा पे देख लेते हैं द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग जो हमारा दूसरा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग अगला ऑप्शन है द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और अंतिम ऑप्शन है द स्टडी ऑफ मैथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट तो अगर हम फार्मा को काइनेटिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो हमारा को काइनेटिक होता है उसका यह मतलब होता है कि जो हमारी ड्रग है उसके साथ हमारी बॉडी क्या कर रही है और अगर हम फार्मा को डायनेमिक के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहा है तो अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने करेक्ट आंसर पे तो ये है हमारा बी द स्टडी ऑफ एब्जॉर्बसन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग तो अगर हम एक तरह से एब्जॉर्बसन के बारे में बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं जो हमारी ड्रग है उसकी बात करते हैं मेटाबोलिज्म की या एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह से वो चीज़ होता है जो हमारी बॉडी हमारे ड्रग के साथ में करती है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द b. अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं ड्रग उसके बाद ब्लैंक है रिफर्स टू द स्टडी ऑफ प्रोसेस अकरिंग आफ्टर द ऑफ ड्रग तो जो हमारी वो ड्रग है जब उसका एब्सॉर्ब हो जाता है उसके बाद उसके साथ में कौन सी प्रोसेस होती है तो यहां पे हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं पहला है एब्जॉर्बशन जो हमारा दूसरा है दैट इज द डिस्पोजिशन तीसरा ऑप्शन है मेटाबोलिज्म और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो अगर हम इस कंडीशन में बात करते हैं तो जब हमारे हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है तो वहां पे फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इलिमिनेशन होता है तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन और इलिमिनेशन के बारे में तो ये एक तरह से टाइप्स होते हैं हमारे ड्रग के डिस्पोजिशन के तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज दी डिस्पोजिशन अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पैस्यू डिफ्यूजन जो हमारा पैस्यू डिफ्यूजन होता है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं पहला है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ओनली जो हमारा दूसरा ऑप्शन है दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ओनली तीसरा ऑप्शन है हमारा कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोथ और अंतिम ऑप्शन है चार्ज एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन में हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है वो जिससे हमारी ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द कंसनट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोथ इस जो हमारा होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो भी यहां पे एक ड्राइविंग फोर्स होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स होता है पैसिव डिफ्यूजन में अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज द क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज द मेजर प्रोसेस ऑफ फॉर मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ ड्रग तो जो हमारी अधिकतर ड्रग होती हैं उनका जो एब्जॉर्बन है वो किस तरह से होता है ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं पैसिव डिफ्यूजन दूसरा ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा तीसरा है इंडोसाइटोसिस और अंतिम है हमारा फैसिलेटेड डिफ्यूजन तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर पे आते हैं तो दैट इज द दैस पैसिव डिफ्यूजन जो हमारी अधिकतर ड्रग होती हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एब्जॉर्बन है वो अधिकतर पैसिव डिफ्यूजन से हमें देखने को प्राप्त होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पोर ट्रांसपोर्ट तो अगर हम पोर ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या होता है ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दूसरा ऑप्शन है हमारा ये है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो हमारा तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और अंतिम ऑप्शन है चार्ज इक्विलिब्रियम तो अगर हम पोर्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज सी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द पोर्ट ट्रांसपोर्ट वो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास नहीं करते हैं ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं लो मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल अगला ऑप्शन है हमारा वाटर सॉलबल ड्रग्स तीसरा ऑप्शन है दैट इज द मॉलिक्यूल्स अप टू 40 डाल्टन और अंतिम ऑप्शन है द मॉलिक्यूल ग्रेटर देन 40 डाल्टन तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द डी मॉलिक्यूल ग्रेटर देन 400 डाल्टन ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास नहीं करते हैं मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो मॉलिकुलर वेट है वो फोर डाल्टन से ज्यादा है वो पोर ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म के थ्रू पास नहीं करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज द क्वेश्चन नंबर टेन नाइस एंड विटनी इक्वेशन इज यूज टू डिस्क्राइब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं एब्सॉर्बन दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा है डिजोल्यूशन एंड फोर्थ वन इज डिस इंटीग्रेशन तो अगर हम इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द डिजोल्यूशन तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डिजोल्यूशन अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी होती है डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एपॉन एच सी एस माइनस सी बी और यहां पे जो हमारा डी सी अपॉन डी टी है वो हमारा रेट ऑफ डिजोल्यूशन कहलाता है तो इस इक्वेशन को

तीसरा ऑप्शन है एनर्जी इज यूज और अंतिम ऑप्शन है इनिबिशन बाय द मेटाबॉलिक पॉइजनिंग तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैस्यू डिफ्यूजन की तो ये दोनों जो है इनिबिट होते हैं विद द मेटाबॉलिक पॉइजनिंग दोनों में एनर्जी यूज होती है और जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है दोनों में डाउन होता है तो यहाँ पे अगर हम एक तरह से बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ए कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट तो जो हमारा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो एक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है जिसमें वो एक डाउनहिल फ्लो होता है और इस कंडीशन में ये जो हमारा होता है डिफ्यूजन उससे फास्टली इसमें एब्जॉर्ब होता है क्योंकि यहाँ पे कैरियर इन्वॉल्व होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच काइंड ऑफ ड्रग आर एब्जॉर्ब थ्रो द इंडोसाइटोसिस तो जो हमारा इंडोसाइटोसिस है उसमें किस तरह की ड्रग जो है एब्जॉर्ब होती है ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज द मॉलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 100 टू 400 डाल्टन अगला ऑप्शन है वाटर सॉलबल ड्रग्स अगला ऑप्शन है दैट इज द वो मैक्रो मालिकुलर ड्रग आर ड्रग एज ऑयली ड्रॉपलेट और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द पोलर ड्रग तो अगर हम इंडोसाइटोसिस के बारे में बात करते हैं उसके थ्रू जो हमारी ड्रग का एब्जॉर्ब होता है तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज सी दैट इज माइक्रो मालिकुलर ड्रग आर ड्रग एज ऑयली ड्रॉपलेट तो इस कंडीशन में हालांकि क्या होता है कि जो हमारी वो ड्रग होती हैं वो अगर सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में होती हैं और वो या ऑयली

अगला ऑप्शन है एफिनिटी फॉर द कैरियर और अंतिम ऑप्शन है वो ड्रग दैट आयनाइज एट ऑल पीएच कंडीशन तो सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी ड्रग दैट आयनाइज एट ऑल पीएच कंडीशन आर एब्सॉर्ब बाय द आयन पेयर ट्रांसपोर्ट तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट इज द वो वेयर ऑफ मैकेटरलीम कम्पाउंड वो सल्फोनिक एसिड गेट एब्जॉर्ब एंड ड्रग्स कैन बी आयोनाइज एट ऑल पी एच ये ऐसी ड्रग हैं जो कि हर पी एच पे आयनाइज हो जाती हैं और उस कंडीशन में ये हमारे आयन पेयर ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू इनका एब्जॉर्ब होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच इज द अदर नेम ऑफ सेल ईटिंग जो हमारा सेल ईटिंग है वो किस चीज का एक दूसरा नाम है ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज ट्रांसाइटोसिस जो हमारा दूसरा ऑप्शन है दैट इज फैगोसाइटोसिस तीसरा ऑप्शन है पीनोसाइटोसिस और अंतिम ऑप्शन है हमारा इंडोसाइटोसिस तो अगर हम सेल ईटिंग के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज

ंग तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सेल ड्रिंकिंग तो वहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द पीनोसाइटोसिस अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द मीन लेंथ ऑफ जीआईटी जो हमारा जीआईटी होता है गैस्टो इंटस्टाइनल ट्रैक होता है उसकी मीन लेंथ क्या होती है ऑप्शंस देख लेते हैं थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर अगला ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर अगला ऑप्शन है 400 सेंटीमीटर और अंतिम ऑप्शन है 450 सेंटीमीटर तो जो हमारा जी होता है अगर हम उसकी मीन लेंथ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी फोर सेंटीमीटर तो जो हमारा होता है जीआईटी उसकी जो लेंथ है वो हमारा 450 सेंटीमीटर होता है और डाइजेशन तो और जी हमारे जीआईटी का मेन फंक्शन होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 विच ड्रग गेट एब्जॉर्ब इन मोस्टली वो कौन सी ड्रग्स होती है जो कि हमारे स्टमक से मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाती हैं ऑप्शन देख लेते हैं बेसिक ड्रग दूसरा ऑप्शन है एसिडिक ड्रग जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज द न्यूट्रल ड्रग और अंतिम ऑप्शन है नो ड्रग गेट एब्जॉर्ब इन द स्टमक तो इस कंडीशन में अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं वो जो हमारे स्टमक का इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है तो इस कारण ये जो एसिडिक ड्रग होती हैं उनके एब्जॉर्बशन को फैसिलिटेटेड एक तरह से करता है तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी एसिडिक ड्रग अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच ड गेट मोस्टली एब्जॉर्व फ्रॉम द माउथ वो कौन सी ड्रग हैं जो कि अधिकतर हमारे माउथ से एब्जॉर्ब हो जाती हैं ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं एसिडिक ड्रग एंड लिपोफिलिक ड्रग जो हमारा अगला ऑप्शन है दैट इज द लिपोफिलिक ड्रग एंड न्यूट्रल ड्रग अगला ऑप्शन है न्यूट्रल ड्रग एंड लिपोफिलिक ड्रग और अंतिम ऑप्शन है वो लिपोफिलिक न्यूट्रल बेसिक ड्रग तो इस कंडीशन में अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो ये है हमारा डी लिपोफिलिक न्यूट्रल बेसिक ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे माउथ से एब्जॉर्ब हो जाती हैं अगर हम माउथ के पीएच के बारे में बात करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6.8 के आसपास होता है जो हमारी ड्रग है वो हल्का सा बेसिक है या न्यूट्रल है और लिपोफिलिक ड्रग है वो आसानी से हमारे माउथ के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है विच वन इज द सब रूट हमारा जो होता है सब लिंगल रूट वो कौन सा रूट होता है ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं ड्रग प्लेस्ड बिटवीन द चीक्स एंड गम जो हमारा अगला ऑप्शन है the, वो दैट इज द ड्रग प्लेस्ड बिटवीन वो टंग्स एंड अपर पाम उसके बाद अगला ऑप्शन है वो ड्रग प्लेस अंडर द टंग और अंतिम ऑप्शन है ड्रग क्रश्ड एंड प्लेस्ड अंडर द टंग तो इस कंडीशन में जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द सी ड्रग प्लेस्ड अंडर द टंग जो हमारी ड्रग है उसको अगर हम लोग अपने जीभ के नीचे प्लेस करते हैं तो उसको हम लोग सब लिंग रूट कहते हैं अगर जो हमारी ड्रग है उसको हम लोग अपने चीक्स और वो गम के बीच में रखते हैं तो उसको हम लोग बकल रूट कहते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी ड्रग अंडर द टंग अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उसकी कौन सी एक्चुअल डेफिनेशन है आइए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन डोजेस टू सराउंडिंग फ्लू अगला ऑप्शन है हमारा दैट इज ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द वो सराउंडिंग टू द फ्लूइड टू द बॉडी उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द ओरल केविटी टू इंटेस्टाइन और अंतिम है दैट इज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द ब्लड एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर एंड टिश्यू तो अगर हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी ड्रग है जब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है तो वो हमारे अलग अलग जो होते हैं बॉडी के पार्ट वहाँ पे ट्रेवल करती है और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूड होता है उसके अंदर जो हमारा ब्लड है उससे ट्रांसफर होती है तो इस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ द डी ये है हमारा रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द ब्लड एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूड एंड टिश्यू अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी व्हाट शुड बी द मॉलिकुलर वेट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल सो दैट दे कैन ईजिली पास थ्रू द मेम्ब्रेन जो हमारी ड्रग है उसका क्या मॉलिकुलर वेट हो कि वो हमारे जो है कैपिलरीज या हमारी मेमब्रेन है उसके थ्रू आसानी से पास हो जाए तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं पहला ऑप्शन है सिक्स टू एट हंड्रेड डाल्टन जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज द फाइव टू सिक्स हंड्रेड डाल्टन तीसरा ऑप्शन है दैट इज 300 हंड्रेड टू फाइव डाल्टन और अंतिम ऑप्शन है 200 हंड्रेड टू फोर डाल्टन तो इस कंडीशन में अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो वो है हमारा बी 500 हंड्रेड टू सिक्स डाल्टन तो जो हमारी ड्रग है जिनका जो मॉलिकुलर वेट है वो 500 से 600 डाल्टन के बीच में है तो वो आसानी से जो हमारी होती है कैपलरी की मेम्ब्रेन होती है उसको आसानी से क्रॉस करके और डिफ्यूज होके हमारे एक्स्ट्रा तो इंटर स्टेशल फ्लूड में आसानी से इंटर कर जाती है तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी 500 टू 600 डाल्टन अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच ड्रग कैन नॉट पास द कैपिलरी इंडोथिलियल बैरियर वो कौन सी ड्रग है जो कि पास नहीं कर पाती है हमारे कैपिलरी इंडोथिलियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है दैट इज द मॉलिकुलर साइज लेस देन 600 डाल्टन अगला ऑप्शन है हमारा ड्रग बाउंड टू द ब्लड कंपोनेंट अगला ऑप्शन है दैट इज द ड्रग बाउंड टू द केमिकल इंटाइटी और अंतिम ऑप्शन है ऑल ड्रग कैन पास तो यहां पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज बी ड्रग बाउंड टू द ब्लड कंपोनेंट तो जो हमारी ड्रग हमारे ब्लड कंपोनेंट के साथ में बाउंड हो जाती है तो उस कंडीशन में उसका जो होता है मॉलिकुलर वेट वो काफी बढ़ जाता है जिसके कारण कि वो हमारी जो होती है कैपलरी इंडोथिलियल बैरियर्स होते हैं उनको क्रॉस नहीं कर पाती है और वो हमारे ब्लड में रिमेन रहती है तो ऐसी ड्रग जो कि हमारे ब्लड कंपोनेंट के साथ में बाउंड होती हैं वो हमारी वो कैपिलरी के अंदर रिमेन रह जाती हैं उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं तो करेक्ट आंसर है हमारा बी अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है विच सेल मेक द ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी सेल्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती हैं जो पहला हमारा है दैट इज द स्क्वैमस एपिथेलियम सेल दूसरा ऑप्शन है फैट सेल तीसरा ऑप्शन है रेड ब्लड सेल और अंतिम ऑप्शन है इंडोथिलियल सेल तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज डी इंडोथिलियल सेल तो जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो हमारे जो इंडोथिलियल सेल्स होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है और ये एक तरह से वो कॉन्टिन्यूस टाइट इंट्रा सेलर के थ्रू फॉर्म होता है तो इसको हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है द प्लेसेंटल बैरियर इज मोर इफेक्टिव देन ब्लड ब्रेन बैरियर ये ट्रू है कि फाल्स है जो हमारा प्लेसेंटल बैरियर होता है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं ट्रू और अगला ऑप्शन है फॉल्स तो अगर हम ब्लड ब्रेन करते हैं तो ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर से कम इफेक्टिव होता है तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज बी फॉल्स तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्लेसेंटल बैरियर के बारे में तो उस कंडीशन में जो हमारी ड्रग है अगर उसका जो मॉलिकुलर वेट है वो थाउजेंड डाल्टन से अगर कम है और और वो जो है मॉडरेटली या हाईली लिपिड सॉलबल है तो वो आसानी से हमारे प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों में कौन ज़्यादा इफेक्टिव है तो जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है वो ज़्यादा इफेक्टिव बैरियर होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर इज ए लिपॉयडल बैरियर जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है क्या है वो एक लिपॉयडल बैरियर होता है ऑप्शन है हमारे ट्रू एंड फॉल्स तो इस कंडीशन में जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज ए ट्रू जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो लिपोइडल बैरियर होता है तो जो हमारी ड्रग हाईली लिपिड सॉल्वल होती हैं वो आसानी से हमारे इस बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं क्योंकि ये जो हमारा बैरियर होता है यहाँ पे जो ऑयल और वाटर पार्टीशन कोफिशियंट होता है वो काफी हाई होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वट इज द परफ्यूजन रेट परफ्यूजन रेट क्या होता है ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द परफ्यूजन रेट अगला ऑप्शन है हमारा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लो थ्रू द हार्ट पर यूनिट टाइम अगला ऑप्शन है हमारा ये है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू दैट फ्लोस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ ए ब्लड वेसल तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द परफ्यूजन रेट तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी तो जो हमारा होता है परफ्यूजन रेट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लो थ्रू द टिश्यू पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू तो इस कंडीशन में इसका जो हमारा मात्रक होता है वो होता है ml पर मिनट पर ml तो इस कंडीशन में हम आसान तरीके से इस चीज को कह सकते हैं कि जो हमारे वो टिश्यू हैं उसमें जो हमारे ब्लड की सप्लाई होती है उसी को हम लोग बेसिकली परफ्यूजन रेट कहते हैं अब हम लोग आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा हाँ तो हम लोग अब ऑप्शंस को देख लेते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना अमाउंट हमारी ड्रग का ब्लड प्लाज्मा में होता है तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये ट्रू है यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए ट्रू तो इस कंडीशन में हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारी कंसनट्रेशन होती है ड्रग की हमारे ब्लड प्लाज्मा में अगर वो सी है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द अमाउंट ऑफ ड्रग इन टू द बॉडी एक्स के और इस कंडीशन में यहाँ पे हम एक ऐड करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ऐड करते हैं जिसको हम लोग वी डी से इंडिकेट करते हैं और इसकी जो हमारी यूनिट होती है वो होती है वॉल्यूम और इसी को हम लोग कहते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तो हम आसान वो तरीके से इस चीज को कह सकते हैं कि जितना ज्यादा हमारे ड्रग की कंसंट्रेशन हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में होगी हमारे प्लाज्मा में होगी उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे ड्रग की हमारे बॉडी में होगी तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए ट्रू ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो उनको भी आप अगर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू